Hi guys, welcome to my channel and today's topic is again weight loss. So मेरी बहुत सारी videos हैं इस topic को लेके because this is one of the common problem that everyone is facing these days. Okay, so again आज मैं आपके पास लेके आई हूँ yoga flow and this yoga flow you totally gonna love it first thing and it will turn you up into a sweat animal. तो time waste ज़्यादा नहीं करते हैं, let's get started. Just relax yourself and let's start with cat cow pose. Inhale exhale का पूरा ध्यान रखें. जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं then you'll have to inhale और नीचे जाते हुए आपको exhale करना है. कोई भी आसन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इनहेल एक्सहेल अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो उस आसन का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा. और इस आसन को करते हुए सबसे पहले रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर नेक मसल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है. आपके स्पाइन को ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और स्पेशली जो लोग यू नो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है. Now let's start with our next pose. Now let's start with hip circles. So hip को हम जितना outer ले जा सकते हैं उतना outer ले जाते हुए you'll have to activate your hips, you'll have to activate your thighs. यहीं से पैर को एकदम सीधा पीछे ले जाते हुए यहीं से अपोजिट हाथ को हमें जितना साइड में लेके जा सकते हैं उतना साइड में लेके जाना है. एंड मेक श्योर आपके जो शोल्डर्स है और दूसरा हाथ है उससे आपका स्पाइनल बैलेंस अच्छा बना रहे और दोनों हाथ और पैर अपोजिट डायरेक्शन में साइड टू साइड मूव करने चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अपोजिट साइड. Make sure to make good you know wide circles. This is a great exercise for your hips, for your thighs and also for the core strength of your wrist and your shoulders, your upper body basically.
इसी को उत्कटासना के ही हम रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। अब अपने राइट नी को ऊपर उठाते हुए होल्ड इट फ्रॉम योर राइट हैंड एंड जस्ट डू सम साइड टू साइड मूवमेंट्स। अपनी आगे की दो उंगलियों से अपनी टो को पकड़ते हुए लेट्स स्ट्रेच और सम साइड टू साइड मूवमेंट। श्योर यू बिल्ड अ गुड बैलेंस हियर। पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप और अपने हाथों को अपने कमर पे रखते हुए 90 डिग्री से नीचे आते हुए एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को नीचे फर्श पे रखेंगे और अपने पैरों से पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं पीछे की तरफ। एंड स्ट्रेच एज मच एज यू कैन, जितना पीछे जा सकते हैं उतना अपने हाथों को पीछे लेके जाएं। Now let's do some side to side movements.
यहीं से बैठेंगे एक साइड। आपके जो दोनों लेग हैं, दोनों लेग 90 डिग्री से स्ट्रेट होने चाहिए साइड में, और दोनों लेग एक सीध में होने चाहिए। नाउ लेट्स मेक बोथ द लेग स्ट्रेट, और अपने एक हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से टच करेंगे। मेक श्योर कि आप आगे की तरफ ना झुकें, आप साइड की तरफ ही झुकें। अपने दूसरे हाथ को पकड़ने का प्रयास करें और कोशिश करें दूसरे हाथ से भी आप अपने टो को पकड़ पा रहे हो। लेट्स डू सम डीप स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्स। अब हमें मूवमेंट्स करने हैं। लेट्स डू सम मूवमेंट्स, फास्ट मूवमेंट्स, राइट। 1, 2 एंड सो ऑन। On the other side, those both legs should be 90 degrees straight और दोनों एक सीध में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों legs को एक सीध में रखा है, straight रखा है, और यहाँ पे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आगे की तरफ ना झुकूँ, मैं साइड से ही अपने toes को दोनों हाथों से पकड़ सकूँ। Good. So now relax and let's do some butterfly. Yay! लेट्स डू सम नेक रोटेशंस। और जब भी आप नेक रोटेशंस करें, यू विल हैव टू मेक श्योर यू आर डूइंग इट स्लोली, यू आर नॉट गिविंग एनी स्ट्रेच, एनी टेंशन टू योर नेक, एंड यू आर जस्ट रिलीजिंग ऑल द टेंशंस फ्रॉम योर बॉडी। जस्ट स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल। गुड, इनहेल, एक्सहेल। यू आर जस्ट रिलीजिंग ऑल द टेंशंस, all the worries from your body, you are giving new energy to your cells। आपकी जो cells हैं, कोशिकाएँ हैं,
उनमें जान आ रही है, दे आर गेटिंग मोर ब्यूटिफुल एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर बींग यू नो मोर यंगर डे बाई डे. सो जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड डू प्रैक्टिस दिस वर्कआउट एटलीस्ट 30 minutes a day, that would be sufficient, and you'll really feel the difference in you within just 1 week. And we are just about to finish. Hope you liked the video, and in case you have liked it, please do not forget to subscribe the channel and share the video. Thank you.